शाबाश पाकिस्तानियों, शाबाश। मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हो, तुम ही तो हो जन्नत जिनका इंतजार कर रही है। इस वीडियो को बहुत डिसलाइक मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जालिमों के हक में नहीं मजलूम के हक में है। बेचारी वो मजलूम औरत जिसको हजारों जालिमों का सामना है, उसकी क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी, इसके बारे में सोचने के लिए किसी के पास वक्त नहीं। हाँ, उसकी बर्बादी का मंजर देखने और सुनने की सबको बेचैनी है। किसी तरीके से अगर वो वीडियो मिल जाए जिस वीडियो में उस बेचारी के साथ जुल्म हुआ है, तो हमें मजा आ जाएगा, क्योंकि वो जुल्म हमारी बहन या बेटी के साथ नहीं हुआ, उस बेचारी के साथ दरिंदा नुमा इंसानों ने दरिंदगी की। मगर शरीफों, तुमने क्या किया? कसर तो तुम शरीफों ने, मतलब कसर तो हम शरीफों ने भी नहीं छोड़ी। उस लम्हा से उस बेचारी के साथ जुल्म किया जा रहा है, मसलसल उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। जिन्होंने उस नादार औरत को एक बार जलील किया, उनको खुदा बर्बाद करे, बेशक वो सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सुनने में आ रहा है कि वो बंदे पकड़े भी गए, और जाहिर सी बात है कि उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन उस वक्त से जो हजारों लोग उस बेबस औरत को जलील कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको सजा नहीं मिलेगी, बल्कि ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं। कोई चैनल की TRP बढ़ा रहा है, तो कोई YouTube पर व्यूज हासिल कर रहा है, कोई अपनी कलम की ताकत से ब्लॉग लिख रहा है, वेबसाइटों पर कालम निगार अपने कालम लिख रहे हैं, सब अपने चक्कर में हैं। अब ज्यादा समझदार लोग ये कहेंगे कि आपका भी तो YouTube चैनल है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। इस वीडियो से मुझे एक रुपया भी नहीं मिलने वाला, और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बेशर्मी और बेहयाई को कंट्रोल करना है, ना कि उस औरत को जलील करना। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, अगर किसी की बहन के साथ ऐसा होता तो क्या वो ऐसे वीडियो बनाता जैसे उस औरत के लिए बना रहा है? खुदा के लिए तुम उस औरत को इंसाफ ना दिलवाओ, खुदा का खौफ करो। दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझोगे तो याद रखना, तुम्हारी इज्जतें भी खतरे में हैं। खुदा के लिए इस मामले को यहीं ख़त्म करो, वो खुदारा रुक जाए। जो वीडियो देखकर प्रमोट कर रहा है, उसको भी ख्याल करना चाहिए। जो लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो अपनी वीडियोस देखें, अगर उनको लगता है कि वीडियोस बिल्कुल ठीक हैं तो सही है, वरना वीडियोस को डिलीट करें। वीडियो सही है या गलत देखने का बहुत ही आसान तरीका है, अपनी वीडियो को देखें और सिर्फ इस बात पर गौर करें कि क्या आप अपनी फैमिली के मुतलक ऐसी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपके इस मेयार पर पूरी उतरती है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर सोचें, वो भी किसी की फैमिली है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक औरत है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़म, उर्दू, पंजाबी शायरी, इकबाल ज़रीन, हिस्ट्री, इस्लामी वाक़ियात की तालीमात को फ़रोग़ देना है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।